हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सीमा कुशवाहा फ्रॉम भारती ग्रुप ऑफ कॉलेज। आज हम पढ़ेंगे बीएससी थर्ड ईयर का यूनिट फर्स्ट का जो हम पढ़ रहे थे रिलेटिविटी, उसके अंतर्गत माइकर्सन मोरले प्रयोग आज हम पढ़ेंगे। माइकर्सन मोरले एक्सपेरिमेंट पृथ्वी तथा इधर के बीच आपेक्षिक गति का अध्ययन करने के लिए तथा इधर संबंधी अन्य सभी धारणाओं को सिद्ध करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग सन 1881 में माइकलसन तथा मोरले द्वारा किया गया। जो पृथ्वी है और इधर है उसके बीच आपेक्षिक गति का अध्ययन करने के लिए और इधर संबंधी अन्य सभी धारणाओं को सिद्ध करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग था माइकलसन मोरले, और जिसको सन 1881 में माइकलसन तथा मोरले द्वारा किया गया था। इस प्रयोग से इस प्रश्न का हल भी मिलता है कि प्रकाश का वेग c किस निर्देश फ्रेम के सापेक्ष होता है। इस प्रश्न के उत्तर के लिए हम एक ऐसे निर्देश फ्रेम को लेते हैं जिसके सापेक्ष प्रकाश का सभी दिशाओं में वेग है c, वो कांस्टेंट रहता है। यह फ्रेम निरपेक्ष निर्देश फ्रेम कहलाता है। मतलब इस प्रयोग से हमें इस प्रश्न का भी हल मिल रहा है कि जो प्रकाश का वेग है सी, वो किस निर्देश फ्रेम के सापेक्ष हो रहा है होता है, और इस प्रश्न के उत्तर के लिए हमें कैसे निर्देश फ्रेम को लेते हैं जिसके सापेक्ष प्रकाश का सभी दिशाओं में वेग है वो कॉन्स्टेंट रहता है। यह फ्रेम निरपेक्ष निर्देश फ्रेम कहलाता है, और यह जो फ्रेम है वो निरपेक्ष निर्देश फ्रेम कहलाता है। माइकलसन तथा मोरले ने इस निरपेक्ष फ्रेम के सापेक्ष पृथ्वी के वेग की गणना करने के लिए प्रयोग किया। माइकलसन और मोरले था, उन्होंने इस निरपेक्ष फ्रेम के सापेक्ष पृथ्वी के वेग की गणना करने के लिए इस प्रयोग को किया, जिससे कि प्रकाश के वेग पर प्रेक्षक की गति के प्रभाव को ज्ञात किया जा सके, और जिससे कि प्रकाश के वेग पर जो प्रेक्षक की गति है उसके प्रभाव को ज्ञात किया जा सके। इस प्रयोग के द्वारा यह सिद्ध किया गया कि प्रेक्षक की गति का प्रकाश के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और इस या जो प्रेक्षक की गति के इस प्रयोग के द्वारा यह सिद्ध किया गया कि जो प्रेक्षक की गति का प्रकाश के वेग पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब हम इसके उपकरण के बारे में पढ़ते हैं। माइकलसन मोरले प्रयोग का सरल उपकरण है, वो डायग्राम में अभी दिखाया गया, हम देखेंगे अभी। एक वर्णित प्रकाश स्रोत S समांतर किरण पुंज 45 डिग्री पर झुकी हुई है। जो एक वर्णित प्रकाश स्रोत S है, यहाँ पर जो एक वर्णित प्रकाश स्रोत S है वो 45 डिग्री पर झुकी हुई है तथा अर्ध चांदी की प्लेट G पर पड़ती है, और अर्ध चांदी की प्लेट है जी पर पड़ती है। इस प्लेट से किरण पुंज दो भागों में विभक्त हो जाता है, और ये जो प्लेट है उससे जो किरण पुंज है वो दो भागों में विभक्त हो जाता है। फर्स्ट है प्रावर्तित होकर समतल दर्पण M1 की ओर जाएगी, और अपवर्तित होकर समतल दर्पण M2 की ओर चलता है। प्रावर्तित होकर समतल दर्पण M1 की ओर जाती है, और अपवर्तित होकर समतल दर्पण M2 की ओर आती है। प्लेट G से बराबर दूरियों पर रखा हुआ दर्पण M1 और जो दर्पण है मिरर M2 है से किरण पुंज के दोनों भाग प्रावर्तित होकर पुनः प्लेट G पर लौटकर व्यतिकरण फ्रिंज बनाते हैं, और वापस वो G पर लौटकर व्यतिकरण फ्रिंज बनाता है, जिन्हें दूरदर्शक टी में देखा जाता है। क्योंकि किरण GA जो कि रे है GA, क्योंकि किरण GA प्लेट G से दो बार होकर गुजरती है, और किरण GB है वो एक बार भी नहीं गुजरती, इसलिए दोनों किरणों के लिए M1 और M2 की प्लेट G से बराबर
प्रकाशीय दूरी तय करने के लिए जो प्लेट जी के बिल्कुल एक समान मोटाई की एक पारदर्शक प्लेट किरण जीबी के पथ में रख दी जाती है। यहाँ पे बोल रहे कि जो किरण जी है वो प्लेट जी से होकर दो बार गुजरती है, जो किरण जी है वो प्लेट जी से होकर दो बार गुजरती है और किरण जो जीबी है वो प्लेट से होकर एक बार भी नहीं गुजरती, इसलिए दोनों किरणों के एम वन और एम टू की प्लेट जी से बराबर प्रकाशीय दूरी तय करने के लिए प्लेट जी के बिल्कुल एक समान मोटाई की एक पारदर्शक प्लेट जी भी रख देते हैं। अब हम इसके वर्किंग प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं। यदि यह उपकरण विरामावस्था में हो, यदि यह जो उपकरण है वो विरामावस्था में हो अर्थात पृथ्वी है वो रुकी हुई हो, तो किरण पुंज को के दोनों भागों जी बी और जी ए को प्लेट जी तक लौटकर आने में बराबर समय लगेगा। मतलब यह जो उपकरण है अगर वो विरामावस्था में हो अर्थात पृथ्वी रुकी हुई हो, तो किरण पुंज के दोनों भागों जी बी और जी ए को प्लेट जी तक लौटकर आने में बराबर समय लगेगा, किंतु ईथर अभिधारणा के अनुसार पृथ्वी उपकरण सहित ईथर से चल रही है। माना जो पृथ्वी का वेग है वो प्रकाश की दिशा में v और gm1 तथा gm2 दूरियां d के बराबर है। यदि स्थिर ईथर में प्रकाश का वेग है वो c है, तो gm2 दिशा में उपकरण के सापेक्ष प्रकाश का वेग होगा c माइनस v और m2 जी दिशा में लौटने पर प्रकाश का वेग होगा c प्लस v। प्लेट g से m2 तक जाने तथा लौटकर g तक आने में प्रकाश को लगा समय t1 इक्वल टू होगा d अपॉन c प्लस v प्लस d अपॉन c माइनस v। अब यहाँ पर हम एलसीएम निकालेंगे, c प्लस वी और c माइनस वी आ जाएगा, तो c प्लस वी और c प्लस वी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आएगा d c माइनस वी, c माइनस वी c माइनस वी कैंसिल हो जाएगा, d c प्लस वी। यहाँ पे हम इसका अंतर इंटू कर देंगे, सी डी माइनस वी डी प्लस डी सी प्लस वी डी, ए प्लस बी और ए माइनस बी का फार्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा सी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए प्लस बी ए माइनस बी, माइनस वी डी और प्लस वी डी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा सी डी प्लस डी सी, जिसे हम लिख सकते हैं टू डी सी। सी स्क्वेयर कॉमन निकालेंगे हम तो यहाँ पे आ जाएगा वन माइनस वी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर, इसे हम लिख सकते हैं यहाँ पर c और जो c है कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 2d अपॉन c, इसे हम लिख सकते हैं ऊपर ले जाएंगे तो 1 प्लस वी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर प्लस डेट 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 लगभग। यहाँ पर 1 माइनस वी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर इनवर्स को द्विपद सिद्धांत द्वारा विस्तार तथा वी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर की उच्च घातों को नगण्य मानने पर, चूंकि जो संपूर्ण उपकरण है संपूर्ण उपकरण इथर में चल रहा है, अतः प्रकाश की प्लेट जी से एम वन तक जाने तथा लौट कर आने का जो वास्तविक पथ है जी ए डेस और ए डेस जी है। यहाँ पे बोल रहे कि प्रकाश की प्लेट जी से M1 तक जाने और लौट कर आने का वास्तविक पथ जी जी एडेस और एडेस जी डेस है, जी एडेस और एडेस जी डेस है। प्रकाश के पेट जी से M1 तक जाने जी से एम वन तक जाने और लौट कर आने का वास्तविक समय है वो है जी ए डेस और ए डेस जी डेस, ए डेस जी डेस। परंतु स्पष्ट है कि जो प्रकाश का वेग है जी ए डेस
तथा ए डैस जी डैस में सी है और उपकरण का वेग जी जी डैस दिशा में वेग वी है। तो सी ए डैस की दिशा में प्रकाश का उपकरण के सापेक्ष वेग होगा सी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, क्योंकि सी ए डैस इक्वल टू होता है जी ए डैस का स्क्वेयर माइनस जी सी का स्क्वेयर। इसलिए प्रकाश का दर्पण M1 जाने व लौट कर आने में लगा समय, जो प्रकाश है उसका दर्पण M1 तक जाने और M1 से लौट कर आने में जो लगा समय है वो हो जाएगा T2 इक्वल टू 2D अपॉन C स्क्वेयर माइनस V स्क्वेयर हाफ। तो इसे हम लिख सकते हैं 2D अपॉन C 1 प्लस V स्क्वेयर अपॉन 2C स्क्वेयर प्लस डैश डैश डैश। 2D अपॉन C 1 प्लस V स्क्वेयर अपॉन 2C स्क्वेयर प्लस डैश डैश डैश। अतः जो प्लेट G1 पर विभक्त दोनों प्रकाश किरण पुंजों द्वारा उनसे संबंधित पथों के चलने में लगे समय का जो अंतर है वो होगा, प्लेट जीवन पर विभक्त दोनों प्रकाश किरण पुंजों और जो उनसे संबंधित पथों के चलने में, यहाँ पर प्लेट जीवन पर जी पर विभक्त हो रहा है जो किरण पुंज, उसके द्वारा संबंधित पथों के चलने में लगे समय का अंतर होगा डेल टी इक्वल टू टी वन माइनस टी टू। टू डी अपॉन सी वन प्लस वी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर माइनस टू डी अपॉन सी, यहाँ पे हम टी वन की वैल्यू रख देंगे और यहाँ पर टी टू की वैल्यू रख देंगे। टी वन की वैल्यू हम लाए थे 2D अपॉन C 1 प्लस V स्क्वेयर अपॉन C स्क्वेयर प्लस डेल डैश डैश। तो डेल डी इक्वल टू T1 माइनस T2, T1 की वैल्यू रखे यहाँ पर T2 की, T2 की वैल्यू हम लाए थे 2D अपॉन C 1 प्लस V स्क्वेयर अपॉन 2C स्क्वेयर। जो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2D अपॉन C इंटू V स्क्वेयर अपॉन 2C स्क्वेयर, तो ये हो जाएगा D V क्यूब हो जाएगा, ये 2D इंटू वी स्क्वेयर, तो D V स्क्वेयर 2 और 2 कैंसिल हो गया तो ये हो जाएगा C क्यूब। इसलिए दो दर्पण के किरण पुंजों के बीच पथांतर होगा C डेल्टी इंटू C, यहाँ पे हम डेल्टी की वैल्यू रखेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा C इंटू डी वी स्क्वेयर अपॉन सी क्यूब। सी और सी कैंसिल होगा तो यहाँ बचेगा सी स्क्वेयर, तो ये हो जाएगा डी वी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर। तरंग दैर्ध्य के पदों में किरणों के बीच पथांतर होगा, पथांतर के लिए इसको डेल से नोट करेंगे, इक्वल टू सी डेल टी अपॉन लैम्डा। तो इसे हम लिखेंगे C delta T अपॉन लैम्डा, C delta T की यहाँ से वैल्यू रख देंगे, ये हो जाएगा D V स्क्वेयर अपॉन C स्क्वेयर लैम्डा तरंग दैर्ध्य। इससे स्पष्ट है कि यदि अर्थात उपकरण रुक जाए तो पथांतर डेल इक्वल टू जीरो और फ्रिंज डी वी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर लैम्डा फ्रिंजे विस्थापित हो जानी चाहिए। इसे स्पष्ट हो रहा है कि यदि अर्थात जो उपकरण है वो रुक जाए तो पथांतर है डेल इक्वल टू जीरो और जो फ्रिंज है डी वी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर लैम्डा फ्रिंजे विस्थापित हो जानी चाहिए। जब भुजा जी एम टू पृथ्वी की गति के समांतर है तो स्थिति में व्यतिकरण फ्रिंजों की स्थिति मानकर उपकरण को 90 डिग्री घुमा देते हैं जिससे भुजा जी एम वन पृथ्वी की गति के समांतर हो जाए, अर्थात जो दोनों पथ है वो आपस में बदल जाए।